पिछले दिनों मैम हेरिटेज जो जोन बना था टगरी चौरा को लेकर के, उसमें पीएम का जो महत्वाकांक्षी योजना में शुमार रहा है, उसमें लेकर काफी विवाद होते रहे हैं। यहाँ तक कि कलाकारों को धरने पर बैठना पड़ा, मंत्री जी द्वारा समझाना पड़ा। उस को लेकर के जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन कैसे पता तेजी से हो रहा, उसको लेकर के क्या दिक्कत अभी तो देखिए शपथ ग्रहण 12 को है, उसके बाद कार्यकाल जब चालू होगा उसमें क्या कमियां थी, क्या उसमें और योजनाएं, क्या खामियां थी, क्या उसमें और ऐड करके उसको अच्छा किया जा सकता है, कहाँ विरोध हो रहा था, किस बातों पे हो रहा था, ये भी थोड़ा मंथन गंथन करने के बाद ही कुछ समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल शुरुआत है, हम जो अपनी सोच लेके चल रहे हैं कि जो मेरे सामने अभी जो मूल स्रोत है, जो निम्न स्तर के लोगों को ज़्यादा जो परेशान कर रहे हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो अपने अपने सुविधाओं से ज़िंदगी चल जाते हैं, लेकिन जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, गरीब ही रेखा के नीचे के लोग होते हैं, पहले हम उनकी सुविधाओं के बारे में सोचेंगे। मैम छुट्टा पशुओं का भी बड़ा आतंक है शहर में, छुट्टा पशुओं को लेकर के एक एक टेबल रखा है आपने गौशाला, जहाँ पे ले जाते हैं लोग, उन्हीं उन्हीं छुट्टा पशुओं को पकड़ा जाता है जिनके मालिक होते हैं, फिर वो जाते हैं पैसे देते हैं, फिर अपने जाए अपना ले आते हैं। जो छुट्टा उसमें भी एक प्रधानमंत्री जी द्वारा काना ओपन का योजन, मतलब उसका योजना चालू किया गया है, उसमें बन भी रहा है। उसके लिए ये भी है कि जो भी सारे, चाहे वो किसी के मालिक के द्वारा के हो, चाहे वो इसी तरह आवारा पशु हो, उन सबों को, क्योंकि उससे बहुत भी असुविधा जनता को होती है। जनता जनसंपर्क में जब हम निकले तो जनता ने अपनी समस्याओं को बताया था, उसमें ये शुमार था कि नहीं आप आवारा पशुओं को, तो गलियों में आप जितनी घाटों की गलियों में आप जाओगे तो बहुत से सांड अटैक, इवन हमारे ऊपर भी अटैक हुआ दो सांड, इसलिए हम खुद झेले हुए हैं इस चीज को। तो मेरा पूरी कोशिश करेगी इस योजना को पूरी तरह क्रियान्वित करने की। मैम बनारस सांस्कृतिक राजधानी है, संध्या की जनरल है, इसको लेकर के बनारस की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना है, क्या प्रोग्राम है? तो पूछते हैं आप बनारस को कैसे स्मार्ट सिटी बनाए, तो मेरा यही एक आंसर रहता है कि इसकी जो संस्कृति और प्राचीनता वो दोनों को बनाए रखते हुए तब मैं कोई भी काम नवीनीकरण का करूँ, चाहे वो उसकी प्राचीन संस्कृति उसकी घाट को लेकर हो, चाहे वो कुंड को लेकर हो, चाहे मंदिर स्थल हो, पावन जो पथ अभी बनने के लिए जो योजना है वो हम लोगों ने चौराहों पे श्लोक और भजन किए। काफी हद तक जब आजम खान मंत्री थे तो उन्होंने मेयर पद के अधिकारों को फ्रीज कर दिया था, अभी आप हैं भाजपा से हैं, राज्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आप भाजपा से, तो अब ऐसे में अधिकार को लेकर के उसको तेजी क्या, फ्रीज जो हुआ था अधिकार वो बढ़ेगा, उस पर क्या? कोशिश तो यही करूँगी, क्योंकि जो अपेक्षाएं जनता की मेयर से बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ के समझ लीजिए नगर के प्रधानमंत्री समझते हैं यहाँ के भैया जो है मेयर करेगा, लेकिन मेयर के पास अधिकार जब आप सीमित रखेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? तो इस चीज़ के लिए हम लोग जरूर आगे बात करेंगे। इवन हम लोग एक दो बार मीटिंग जो योगी जी से हुई तो हल्का सा हम लोगों ने अपना पक्ष रखा भी, बाकी भी आगे मीटिंग्स होने वाली हैं उसमें हम लोग जरूर रखेंगे कि कुछ तो अधिकार और बढ़ाइए ताकि जिससे हम लोग को डिसीजन लेने में आसानी हो। मैम जापान के मदद से कन्वेंशन सेंटर बन रहा था नगर निगम में, उसमें कैसे तेजी लाएंगी, क्या हो रहा? शुरुआत हो गई है, इसकी वजह से हम लोग का देखिए ऑफिस भी वहाँ से जो बैठक होती थी सदन की वो भी नहीं हो पाएगी, अब हम लोग कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, काम शुरू हो गया है। अब उसमें क्या तेजी आ सकती है वो कार्यकाल शुरू करने पे, अधिकारियों का जायजा लेने पे, कौन अधिकारी क्या है, कैसे हैं, कहाँ काम नहीं हो रहा है, कहाँ करप्शन है, ये सब तो देखने में समझ में आएगा। स्वच्छ भारत, स्वच्छ काशी सुंदर काशी एक स्लोगन नाम नगर निगम द्वारा था, काफ़ी अच्छा चला, डोर टू डोर कूड़ा उठान का, बीच में कुछ विवाद बस वो रुक भी गया था, कूड़ों का अंबार हो गया था, फिर अभी धीरे धीरे शुरू हो चुका है, उसको और बेहतर करने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ प्लांट करवाना होगा, जैसे पहले कचरा प्लांट था बंद हो गया, उसको उसी टाइप का कुछ भी एक नई योजना चाह रहे कि शुरू, क्योंकि कूड़ा उठा के फिर कहीं और डंप कर देना, फिर उसका रिसाइकलिंग तो होता नहीं है, उसकी वजह से जो गंदगी है वो कहीं, अभी आप भारत माता मंदिर के सामने ही देख लेंगे गंदगी दिखती है, लोग कूड़ा ले जाते हैं वही डंप कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का ये कुछ होना।
होना चाहिए जरूर, कोशिश करेंगे। अक्सर पिछले मेयर साहब थे रामगोपाल मोहले जी, कई बार सड़क टूटने की भी घटनाएं प्रकाश में आई थी। खुद उन्होंने खड़े होकर के सड़क पटवाया भी था रुदौलिया पे, जब बरसात के दिनों में लगातार प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते और ऐसे भी लगातार जो सरकारी कार्यकाज हैं उनमें कहीं ना कहीं अधिकारी मिली भरत से कोई ना कोई हमेशा भ्रष्टाचार उजागर होता रहा है। ऐसे पे उस पर नकेल कसने के लिए खासकर नगर निगम, आपकी क्या योजना हो रही है? भ्रष्टाचार चाहे नगर निगम का हो चाहे देश का, हर जगह ये भ्रष्टाचार तो है ही है, ये तो पूरे इंडिया में है। उस पर सिर्फ रोक एक मोदी जी अकेले तो लगा नहीं सकते हैं, हर एक अधिकारी को अगर अपने प्रति आप नहीं 100% अगर आप कर पा रहे तो 90% अगर ये सोचने के लिए आपको करप्शन कुछ ना कुछ तो हटाना हर एक आदमी से, चाहे वो आम जनता हो। आप पैसा नहीं दोगे तो लेगा कैसे आदमी? अगर जनता भी अवेयर हो और अधिकारी भी अवेयर हो जाए तो बहुत मेरे ख्याल से ये करप्शन कम होगा और वो काम दिखने लगेगा चारों तरफ, चाहे वो कोई भी योजना हो, करप्शन हटेगा आपको काम दिखेगा। ठेकेदार को पैसा कम मिलेगा तो वो कहाँ से मजबूत सड़क आपको बना के देगा, तो करप्शन कहीं ना कहीं तो है ही है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, कुछ बातें अनकहीं होती हैं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि इस चीज़ को। मैम एक ऐसा कोई यूनिक योजना जो आपके दिमाग में है जो पिछले मेयरों से हट के आप कुछ करना चाहती हैं? मैंने भी बोला ना कि अभी चौराहों पे जो सांस्कृतिक जो भजन और श्लोक वो कराने का मेरा बहुत मन है, इससे पर्यटन को बहुत प्लस यातायात जो है, आप पर्यटक जो आप कैंट से उतरते हैं सीधे हमारे यहाँ चंद्र सेट्टी के पास पूरा आप देख रहे जाम लगा रहे, तो कहीं ना कहीं एक ये है एक सार्वजनिक जोन पे है ये सट्टियों का बंदोबस्त करना। दो तीन ऐसे और दिमाग में प्रोजेक्ट हैं, पहले तो जो शुरू हुए हैं उसको कंप्लीट कराने का पूरी कोशिश करना। नई चीज़ों को लाने से पहले बेहतर है कि आप पुराने चीज़ों को पूरा करें, क्योंकि जो गड्ढे खुदे हैं उसकी पैचिंग कराना मेरा सबसे पहला काम है कि पहले वो काम कम्प्लीट हो। भाई नींव अगर मजबूत रहेगी तो उसकी इमारत भी बुलंद होगी। बस यही अंतिम क्वेश्चन मैम, जनता से अपना टाइटल शुरू होने 12 तारीख को आप शपथ ले लेंगी, उसके बाद क्या अपील करती हैं जनता से? जनता से आप किस प्रकार सहयोग चाहती हैं? विश्वास रखें, यही सहयोग चाहती हूँ। जिस तरीके से विश्वास उन्होंने मोदी जी और योगी जी और मुझ पे किया है, वो बारी मोहम्मद से मुझे जिलाया है, तो उसी तरह से विश्वास मैं आगे भी अपने कार्यकाल में चाहूँगी ताकि मैं एक निष्ठा ईमानदारी से काम कर सकूँ। साफ सफाई को लेकर जनता से क्या अपील है? जनता खुद भी अवेयर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम अवेयर हैं तो जनता भी 50% की भागीदारी होती है इस गंदगी में। अगर आप एक बार कूड़ा उठाओगे तो दिन भर तो हम लोग कूड़ा उठवाएंगे नहीं, आप फिर ये फिर वही आप फिर दोगे। तो अगर एक जनता खुद अवेयर हो जाए कि नहीं मुझे अपने घर से सफाई शुरू करनी है, चैरिटी बिगन सेट हो, अगर वो खुद अपने घर से सफाई शुरू करें तो बहुत कुछ अच्छा होगा। लगातार समस्या रही है मैम पेयजल की, लगातार अधिकारी को फोन करने बाद भी कई बार फोन नहीं उठते और कई हफ्तों सीवेज से पानी घरों में सप्लाई होते रहे हैं। इसको लेकर के उनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लगातार हम लोग को भी फोन आते रहे, तो मैम उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सीवर खुद अपने यहाँ भी और खुद सारे जो विभाग हैं उनको भी यही चाहूंगी कि हर एक कंप्लेंट का तुरंत उसका निवारण होना चाहिए, हर एक कंप्लेंट उसके अधिकारी खुद सुने, ये नहीं कि आप एक चपरासी के हाथ फोन लगा और उसने कंप्लेन लिख दिया उस पर कार्यवाही ना हो। मैं चाहती हूँ कि वो कंप्लेन चाहे मैं हूँ चाहे वो जलकल का कोई भी अधिकारी हो वो खुद सुने और उसका खुद 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर कुछ अमल हो, उसके एक्शन लिया जाए, तभी उस जनता का कुछ ना कुछ सहयोग हो सके। मैम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए भी क्या कोई योजना है आपके दिमाग में? अभी तो फिलहाल नहीं, आप लोग हैं ना संवाद दें पूरा कन्वे करने के लिए मेरे। थैंक यू।